हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाइनोमियल में ट्रेडिंग करेंगे और 100 से कंपाउंडिंग करेंगे। तो नेपियर वगैरह ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस कैंडल के बाद, क्योंकि कैंडल बहुत प्यारी बनी है यहाँ पर और लेवल और भी ऊपर है। तो यहाँ से मैंने एक बाई साइड का ट्रेड ले लिया है। सिंपल सा रीजन था, मार्केट के जो इस टाइप से वेव में चल रहा है, सेलर्स का एरिया यहाँ पर है और मार्केट ने इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी जो प्रीवियसली कैंडल बनी थी इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड लिया। लेकिन ऐसी जगह पर मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर एकदम से ऊपर चला जाता है तो। क्योंकि क्या है, अगर मार्केट का मेजर ट्रेंड देखेंगे ना आप, तो एक डाउन साइड चल रहा है और ये एक सेलर्स का एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट स्पीड में ऊपर चला जाएगा तो क्या है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और ये कैंडल रेड भी बन सकती है। तो ऐसी जगह पर मार्केट अगर धीरे धीरे ही ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उस कंडीशन में विनिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं। एकदम ऊपर चला जाता है तो थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है ट्रेड। ठीक है, वेट करते हैं, 15 सेकेंड इसके अंदर बाकी है। और वीडियो अच्छे लगे आपको तो लाइक जरूर करना, पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं वहां पर भी वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जिससे आपको सीखने को हेल्प मिले, मतलब ट्रेडिंग वगैरह में आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। तो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज्वाइन हो जाना। ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट बहुत ही स्टक पड़ा हुआ है, मतलब ठीक है, देखते हैं कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई लेवल नहीं है इस जगह पर, तो ये रेड कैंडल बनी है। लेकिन हम देख लेते हैं हिस्ट्री में भी कोई लेवल यहाँ पर नहीं दिख रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी इसका कोई रीज़न तो नहीं है, तो हो सकता है कि ये कैंडल भी ग्रीन बने, तो इसके बाद हम बाई साइड जाएंगे। वैसे ग्रीन तो यही कैंडल बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रीवियसली रेड कैंडल बनी कोई लेवल नहीं है, और यहाँ से डायरेक्ट सेलर्स आने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। और यही वीडियो मैंने इसमें कि सेम इसी टॉपिक पे एक वीडियो भी डाली थी, मतलब एक मिनट का एक शॉर्ट डाला था मैंने उसके अंदर, तो वो भी देखा होगा। यहाँ पर कोई लेवल नहीं है सेलर्स का, तो मतलब यही ग्रीन बन जाना चाहिए थी वैसे तो, क्योंकि इधर कोई लेवल नहीं है और ये रेड कैंडल पता नहीं क्यों बनी। तो क्योंकि लेवल जो है वो और भी ऊपर है, अगर आप देखोगे हाई पे लेवल वहां पर है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बनना चाहिए। और मार्केट एक मोमेंटम में भी चल रहा है और एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी देखने को यहाँ पर मिला है, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड ले लिया है, क्योंकि इधर कोई सेलर का लेवल तो है नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स आए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बायर्स ही आना चाहिए। देखते क्या होता है, अभी तो प्रॉफिट लॉस के आसपास ही चल रहा है हमारे ट्रेड, और बायर्स यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। 15 सेकंड बाकी है और बायर्स यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। इसके बाद भी इनका चांसेस है कि अगर ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दे तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन बायर्स भी इतने पावरफुल नहीं दिख रहे और रिजेक्शन भी आ रहा है सेलर्स का। तो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर बस अब और ट्रेड नहीं लेंगे हम। मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है इसके अंदर। देखते हैं सही से अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ही ट्रेड लेंगे। शायद नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है। देखते कुछ सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब भी ट्रेड लेंगे, और इसी जगह तो ट्रेड ही नहीं लेना चाहिए, इसको तो काट देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक सेल साइड का ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड एक डाउन साइड चल रहा है। अगर आप ट्रेंड की बात करोगे, ट्रेंड देखोगे तो एक डाउन साइड का चल रहा है। प्लस यहाँ पर अगर पैटर्न की बात करो तो बहुत प्यारा पैटर्न भी बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रेड ग्रीन पैटर्न बना हुआ, और यहाँ पर एक लेवल भी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रेड कैंडल आना चाहिए, क्योंकि सेलर ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर बायर्स के मुकाबले। अगर आप सेलर्स को देखोगे तो सेलर्स कुछ ज़्यादा पावरफुल है, मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, प्लस रेड ग्रीन पैटर्न भी बना हुआ है। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता
ठीक है, सेलर्स यहाँ पर आने का ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पर सेलर्स इंटर हो चुके हैं, 5 सेकंड बाकी है, देखते हैं क्या होता। और यहाँ पर कैंडल रेडी बनी और ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। तो 3 ट्रेड लिए, तीनों ही विन हो चुके हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है, मेरा रियल डेमो अकाउंट बता देता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।